हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको ब्लाउज लटकन बनाना बताऊंगी जो आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है। इसमें मैं सबसे पहले डोरी बनाना बताऊंगी, जिसमें मैंने डोरी की चौड़ाई ली है 1.5 इंच, और डोरी की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये मैंने डोरी की पट्टी को कट कर लिया है। अब मैं लटकन कट करूँगी, जिसमें मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक किया है। इसको मैं राउंड शेप में कट करूँगी। ये मैंने राउंड शेप मार्क कर लिया है। ये मैंने लटकन के 2 पार्ट को भी कट कर लिए। लटकन के फैब्रिक को भी मैंने कट कर लिया। अब मैं आपको डोरी बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने फैब्रिक को उल्टा फोल्ड करके स्टिचिंग करूंगी। इसमें मैंने 1 बूट की सिलाई दी है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जितनी चौड़ाई डोरी की करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और अगर आप डोरी को पतला करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने चौड़ाई ली है, डोरी को 1 बूट जितना चौड़ा करूँगी। ये मैंने सिलाई कर लिया। अब मैं इस डोरी को बाहर निकाल लूँगी। इसमें मैंने सुई पिरोई है और सुई को उल्टा करके इसके अंदर से दूसरी साइड की तरफ सुई को निकाल लूँगी। ये मैंने सुई को दूसरी साइड से निकाल लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिचिंग के बाहर है वो मैं कट कर दूंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब इसको मैं बाहर की तरफ निकाल लूँगी। ये आप आराम से करना, अगर धागा अंदर की साइड टूट गया तो आपको डोरी वापस बनानी पड़ेगी। डोरी बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये मैंने डोरी को फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको इसमें लटकन अटैच करना बताऊंगी। डोरी को सुई से अलग कर देंगे और ये मेरी डोरी तैयार है। अब मैंने लटकन लिया है, इसमें सीधी साइड से दोनों फैब्रिक को रख के और बाहर की तरफ राउंड शेप में सिलाई कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा होल रखेंगे ताकि हम लटकन को वापस फोल्ड कर सकें। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये मैंने फोल्ड कर लिया बाहर की तरफ। अब जो बाहर की तरफ मैंने थोड़ा सा होल छोड़ा है उसको भी स्टिच कर दूँगी अंदर की तरफ दबा कर। ये मैंने यहाँ पर भी स्टिचिंग कर दी है। मैं इसके सेंटर में एक मार्क लगाऊंगी और इसके चारों तरफ 4 लाइन ड्रॉ करूंगी। ये मैंने लटकन पे 4 लाइन ड्रॉ की है जिस पे मैं सिलाई करूंगी। अब मैं इसको फोल्ड करके बीच में एक छोटा सा आपकी डोरी की चौड़ाई जितना होल कट करूंगी। आप ये होल अपनी डोरी के अकॉर्डिंग कट कीजिए।
अब मैं इस पे सिलाई कर दूंगी, पर ध्यान रहे बीच में डोरी की स्टिचिंग भी हो जानी चाहिए। ये मैंने चारों साइड से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कट कर दूंगी और इसको फोल्ड कर दूंगी। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, ये मेरी लटकन तैयार है। आप इसे आराम से बना सकते हैं। आपको मेरी लटकन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।